Hello everyone, this is Ali Rahman Khan and make sure to download the Hum TV app on your phones. रीम ने कुछ लाख रुपए दिए थे मुझे. उसने कहा था स्टेट एजेंसी का दफ्तर खोल लो, बड़ा प्रॉफिट है इस काम. ऐसे बड़ा अच्छा मशवरा दिया, बिजनेसमैन की बेटी है ना. थैंक गॉड तुम्हें उजाला के अलावा भी किसी का ख्याल आया, वरना तुम तो उसके पीछे मजदू बने फिरते हो. आप ही टिपिकल सासों वाली बातें तो ना करे. जेलस हो रही है आप उससे? Come on, Tabriz, why would I be jealous? भाई वो मेरी भतीजी भी है, बहू भी है. तैमूर, तैमूर! जी जी आ गया. तुम तो बीवी के घुटने से लगकर बैठ गए. फरी के घर जाना था, भूल गया क्या? याद है मुझे, और रीम भी यही कह रही थी कि मैं शमा से ज्यादा कुछ ना कहूँ. वाह, जब रात को ये बात मैं कह रही थी तो बड़े पंगे ले रहे थे, अब बीवी ने कहा तो फौरन जी जी कर दिया. अब चलेंगी या यहीं खड़े लेक्चर देती रहेंगी? अच्छा चलो. शमा, तुम यहाँ खड़ी हो मैं अपने पूरे घर में ढूंढ रही. क्यों, तुमने भी अपने सड़ू शोर की तरह मुझे बातें सुनानी है? नहीं शमा, मैं तुम्हें सॉरी करने के लिए आई थी. बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुम. मैं पहले ही आना चाहती थी, वो थबरेज था कुछ काम करने लग गई थी. तो अब भी ना आती? मुझे तो खैर वैसे भी आदत हो गई है बातें सुनने की. शमा, ऐसी बात नहीं है, तुम्हें थोड़ा ख्याल करना चाहिए था. किस बात का ख्याल करना चाहिए था मुझे? मेरी बहन का कमरा है, मैं जब चाहे आ सकती हूँ. बिल्कुल ठीक बात है शर्मा, लेकिन देखो कुछ बातों को समझा करो. क्या समझा करूँ, मुझे ये बताओ. मैं सब जानती हूँ तबरेज खुश नहीं है मेरे यहाँ आने से. सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्ही ने वरगलाया होगा उसको. वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई बहन हो या अपनी साली से इतनी नफरत करे और इस तरह से बात करे? शर्मा, बात सुनो, मैं अपनी ही बहन के खिलाफ किसी को क्यों वरगलाऊंगी? ताकि तुम लोगों की अच्छी गुडबुक में आ सको, जो ऐसे तो मुमकिन है नहीं. शमा बस कर दो, आखिर तुम्हारी ये नफरत और दुश्मनी कब खत्म होगी? तुम बर्बाद कर लोगी ऐसे खुद को. अभी मुझे तो बहुत अफसोस हुआ, इस तरह रात के बाद कोई अपनी बहू को निकालता है घर से. इसे किसी ने नहीं निकाला, ये खुद भाग के आई है. और खाली हाथ भागी नहीं है, मेरे पैसे चुरा कर आई है ये. और आप लोगों को पता नहीं क्या मनगढ़ंत कहानियां सुनाती जा रही है. झूठ बोल रहे हो तुम. एक तो मेरे सर पर लाकर मेरी सौतन को बिठा दिया तुमने, ऊपर से मुझे कोई पूछता नहीं. सारा सारा दिन मैं कमरे में भूखी प्यासी पड़ी रहती हूँ. भूखी प्यासी तुम अपनी खुशी से रहती हो, समझी? ताकि ये बच्चा इस दुनिया में ना आए. याद है लास्ट टाइम क्या किया था तुमने? सुन रही हैं पप्पू, ये कैसे इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे? खुद तो अपनी बीवी के साथ सारा सारा दिन कमरे में घुसा रहता है और मुझे कोई पूछता नहीं है. तैमूर, ये तो बहुत गलत बात है बेटा. कौन अपनी सौकन को बर्दाश्त करेगा एक ही छत के नीचे? कौन सी सौकन? ये मुझे अपना शौहर नहीं मानती, मेरे साथ रहना नहीं चाहती, तो फिर मैं भी तो अपनी मर्जी करूंगा ना. हाँ, तो तुम्हें एक ही तरीका समझ में आया मुझसे बदला लेने का, कि उस चंडाल को मेरे सर पे लाके बिठा दो ताकि मैं जल जल के मर जाऊं. इन सब बातों का अब कोई फायदा नहीं, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए बस. कौन से पैसे? वो पैसे मुझे रीम ने दिए थे बिजनेस शुरू करने के लिए, और मैंने अम्मा के पास रखवा दिए थे. इसे कहां से पता चल गया पैसे चुरा के यहां आ गई है? क्यों शमा, क्या कह रहे हैं ये तैमूर? सही कह रहे हैं क्या? हाँ तो पप्पू, उन पैसों पे मेरा हक था. ये दोनों तो ऐश करते रहते, मुझे तो 10 रुपए तक नहीं देता. मैं तो आज भी खाली हाथ हूं. शुक्र है खुदा का कि इसने मान तो लिया कि चोर है ये. मैं चोर नहीं हूं तैमूर, मैंने हालात को देखते हुए अपने होने वाले बच्चे का हक छीना है उसके बाप से. क्या? हमारा वादा हुआ था ना कि बच्चा पैदा होने के बाद उसे तुम मेरे हवाले कर दोगे और मैं खुद उसकी परवरिश करूंगा, याद है? इतनी आसानी से तैमूर, मैं तुम्हें बच्चे की शक्ल नहीं देखने दूंगी. उसी तरह से तड़पाऊंगी जैसे तुमने मुझे तड़पाया, जैसे तुमने मेरा दिल दुखा. देखा फरी, ये दोनों कैसे झगड़ते हैं. अब मुझे बताओ कि कौन समझाएगा इन दोनों को? मुमानिया परेशान न हो, मैं तैमूर से बात करता हूँ. तैमूर चलो मेरे साथ. पप्पो, इसे बस ये समझा दे कि मेरे ये पैसे वापस कर दे बस, फिर चाहिए जो मर्जी करती फिरे. अरे दे देगी ना, तुम जाओ उसके साथ. जाओ बेटा. चलो तैमूर. मैं क्या कर सकती हूँ फरी, मैं तो उसे समझा सकती हूँ ना, करनी तो उसने अपनी मर्जी है. लेकिन भाभी बस कर दे ताई, आप अब भी अपने बेटे की साइड ले रही है. मुझे यतीम का किसको ख्याल है इस घर में? देखा कैसे जली गटी बातें करती है. अगर मेरी मर्जी ना होती ना तो वो कब से तुझे तलाक दे देता. हाँ तो दे दे तलाक.
मैं भी मर नहीं रही तैमूर के लिए। फजूल बातें बंद करो, बहुत बोलती हो शमा तुम। लड़कों को ऐसी जबान दराज लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं होती। उजाला को ही देख लो, कितनी समझदार है वो। उजाला जैसा हीरा ना किस्मत वालों को मिलता है। अब तुम सिर्फ अपने पे तवज्जो दो और अपने आने वाले बच्चे की तैयारी करो। क्या तैयारी करूं पप्पू, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। सुकून नाम की चीज ही नहीं है मेरी जिंदगी में। अच्छा बेटा तू बता कैसे खुश होगी? जैसे तू कहती है मैं वैसे ही कर लेती हूँ। बता। मेरी एक ही शर्त, आप रीम को तलाक दिलवाइए। और मैं तुमसे हजार बार कह चुका हूँ कि मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। देखा पप्पू, ये उस औरत को छोड़ना ही नहीं चाहता। अभी आप ही समझाइए, अब जब शमा नहीं खुश है तैमूर की दूसरी शादी से तो इस रिश्ते को खत्म करवाएं, ताकि तुम दोनों के झगड़े तो कम से कम बंद हो। बस मुझे मजबूर मत करें। देखिए आप, सुन लिया आपने? अरे शमा, फरी मुझे बताओ ना मैं क्या करूं। उसे कोई मजबूर थोड़ी कर रहा है, और वैसे भी वो मर्द है। और मैं ना तलाक नहीं, नहीं मुझे अब अल्लाह से बहुत डर लगता है, मैं नहीं कर सकती ऐसा कुछ। उजाला बहुत बेवकूफ है तुम्हारी बहन, अपने मुस्तकबिल पे खुद ही लात मार रही है। तब्रेज क्या हो गया, ऐसा क्या कह दिया उसने? उजाला भी रियलिस्टिक ना, वो किसी की बात मानने या सुनने को तैयार ही नहीं है। हम लोगों ने कितना समझाया उसे, इवन मुमानी तो उसकी मिन्नतें तक करने पे आ गई थी, मगर वो एक अपनी जिद पे अड़ी हुई है। तब्रेज जब शमा जिद पे आ जाती है तो ऐसी बिहेव करती है। इसे जिद नहीं कम अकली कहते हैं। अब प्लीज तुम इसके आगे पीछे मत घूमने लग जाना। तब्रेज उससे पूछना तो पड़ेगा ना मुझे, वैसे वो आजकल इतना टची हुई भी है, अब मेहमान है हमारी। उजाला प्लीज। अच्छा खैर, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? वो शमा को लेके थोड़ा टेंस थी ना इसलिए। देखा उजाला, मैं तुम्हें यही कह रहा था कि शमा की वजह से मुझे या खुद को इग्नोर मत करना, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। तब्रेज आप तो बिल्कुल शमा की तरह बात करने लग गए। शमा तो आप। ऑफिस नहीं जाना आपने? लेट नहीं हो रहा? मैं सोच रहा हूँ कि आज ऑफिस ना जाऊं, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। देख लें, पप्पो से पूछ लें। आप जानते हैं ना कि मेरे साथ होने वाले हादसे के बाद कितना टेंस रहने लग गई है, बहुत वहमी हो गई है वो। अच्छा मॉम को मैं मना लूंगा, चलो रेडी हो जाओ। ध्यान से। एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या है ना कि इतने छोटे घर में कभी रही नहीं ना। अच्छा खैर ये सब छोड़ो, तुम सुनाओ कैसे हो, और अहमद कैसा है? मुझे मिस करता है? मैं भी उसे बहुत। तुम कब आए? जब तुम फोन पे चुपके से किसी से बातें कर रही थी। तैमूर वो बस एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, मैं ही बेवकूफ था जो तुम औरतों की बातों में आ जाता। देखो तैमूर प्लीज मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देती हूँ। क्या बताओगी? कोई नया झूठ, कोई नई कहानी घड़ोगी ना? तुम में और शमा में ज्यादा फर्क नहीं है। तैमूर प्लीज मेरी बात तो सुनो। मैं तो यही सोच के खुश हो रहा था कि शमा ना सही, लेकिन तुम्हें तो अपनी गलतियों का एहसास हो गया। एहसास है मुझे, एहसास क्या, मुझे पछतावा है अपनी नादानियों पर, और ये पछतावा मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा। इसीलिए तुमने ये रास्ता ढूंढा ना? कब से कर रही हो ये सब, ये फोन पे बातें? मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे इसी रिएक्शन की वजह से मैं डर रही थी। क्या बताना चाहती थी तुम मुझे? हाँ यही कि मैं अपने बेटे अहमद से मिलना चाहती हूँ, उससे बात करना चाहती हूँ। अहमद से या असद से? ऐसा नहीं है तैमूर, मैं सिर्फ तुम्हारी बीवी, और मैं बहुत खुलूस से इस रिश्ते को निभा रही हूँ। लेकिन तैमूर ये बात भी सच है कि असद ही मेरे बेटे का बाप है, और अपने बेटे से बात करने के लिए मुझे उससे बात करना पड़ती है। वाह, कल तक उस बेटे को तुम धुतकारती नहीं थी, और आज तुम्हें उस पे प्यार आ गया। सही कह रहे, लेकिन पता है जब आज सबने मुझे धुतकारा ना, तब मुझे एहसास हुआ कि कितनी
कितनी गलत थी मैं, कितना गलत किया मैंने उस मासूम के साथ। ये गलत तो तुमने मेरे साथ किया है रीम, बहुत दुख पहुंचा है मुझे। प्लीज प्लीज तैमूर ऐसा मत कहो। बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। हाथ कोई देख लेगा तो अच्छा है ना। अच्छा ये बताओ कि कितना प्यार करती हूँ मुझसे। आपको नहीं पता? पता है, लेकिन अगर तुम बता दोगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। कुछ बातें कहने की नहीं होती है, महसूस करनी पड़ती है। अच्छा वैसे ये बात तो तुम्हें दिन में मुझे 100 दफा कहनी चाहिए that you love me। क्यों, आपको मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं? मैं शायद गलत वक्त पे आ गई, सॉरी। यहाँ तो बड़ा रोमांटिक सीन चल रहा है। तो आपको कोई एतराज है? मुझे तो कोई एतराज नहीं, बहरहाल फूफो को एतराज जरूर हो सकता है। उजाला तुम ही थोड़ा सा ख्याल कर लो, बहुत ही मॉडर्न हो गई है शादी के बाद तो। अच्छा है ना, अच्छी बीवियां वही होती है जो शादी के बाद अपने शौहर के रंग में ढल जाए। हाँ बिल्कुल, अगर शौहर अच्छा हो तो बीवियों को बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। बहरहाल आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ वो बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, आपको ये काम है? हाँ ना, मेरा दिल इतनी देर से घबरा रहा था घर में। अच्छा ना, मैं भी अपने आप लोगों के साथ घूम के आ जाऊंगी, मैं तैयार हूँ क्या? शमा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे और उजाला के बीच में कोई तीसरा बंदा है। नेक्स्ट टाइम सही, ठीक है? तब्रेज़ चुप रहो उजाला, चलो। छोड़ तो तुम लोग मचा रहे हो, ये किसे मार रहे हो इतनी बेदर्दी से? चोर है तो 11 साल का, लेकिन बड़ी चीज है, उसी की थोड़ी मरम्मत कर रहे थे। तो एक काम कर, सो जा आराम से। क्या तुम लोग एक बच्चे पर तशद्दुद कर रहे हो? अबे बोला ना चोर है, क्यों दिमाग की दही बना रहा है? तुम लोगों में इंसानियत नहीं है क्या? दुनिया का कौन सा कानून इजाजत देता है कि बच्चों पर तशद्दुद किया जाए? बस बस ज्यादा कानून ना बढ़ा मुझे, यहाँ का मैं इंचार्ज हूँ, वो मेरा जी आएगा यहाँ पे करूंगा मैं। कानून मैं भी जानता हूँ, कोई कानून इजाजत नहीं देता कि किसी बच्चे पे तशद्दुद किया जाए। सुनो ए, ये मेरा इलाका है, यहाँ का जज भी मैं हूँ और ये अदालत भी मेरी है। मैं बताऊंगा जेलर साहब को, और तू ये जानता है कि वो तुझसे ज्यादा मेरी बात पर यकीन करते हैं। तू बताएगा? लगता है तू पुरानी पड़ने वाली मार भूल चुका है। भूल तो तुम रहे हो, मेरे होते हुए जेल में किसी के साथ ज्यादती नहीं हो सकती। छोड़ दे उस लड़के को। बात सुन, कल अदालत जाएगा तेरी जमानत हो जाएगी, वो इज्जत से बाहर चला जा। वो खामोखा मुझसे पंगा करके क्यों अपने कागज खराब करता है? जलाल ने जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ जो जहाज शुरू किया है ना, वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। अपने आदमियों को मना कर दे, वरना जेलर को तेरी शिकायत करके तेरी नौकरी छुड़वा दूंगा। चलो करता हूँ कुछ, बैठ जा आराम से। भी अब कैसी तबीयत है? चलने से ज्यादा दर्द तो नहीं पी रहे? तबरेज़ आई एम ऑल राइट, आप क्यों गमी हो रहे? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिक्र है तुम्हारी। मैं बिल्कुल ठीक, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा वो जो मैंने शॉपिंग की थी, आई होप जो मैंने कलर पसंद किए तो मैं अच्छे लगे होंगे। मुझे आपकी हर बात हर चीज बहुत पसंद है। अच्छा तो फिर ये बताओ कि मेरी पसंद उजाला कैसी लगी आपको? ये कैसा सवाल हो? हाँ मुझसे मेरे बारे में पूछ रहे हैं? हाँ मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि मेरी बीवी को मेरी मोहब्बत कैसी लगी। अच्छा बताओ ना कि मिसेस तब्रेज़ कैसी लगी आपको? ठीक है, लेकिन आपके सामने थोड़ी कम पड़ जाती है। उजाला कभी मथम नहीं होता, उसकी एक किरण ही अंधेरे को चीर देती है। और खबरदार आइंदा आपने ऐसी कोई बात सोची तो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। कॉन्फिडेंट रहे हैं?
ठीक है। वैसे कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैंने ऐसी कौन सी नेकी की होगी जो अल्लाह ताला ने मुझे आपको इनाम में दे दिया। जाहिर सी बात है कि आप बहुत अच्छी हैं, बहुत मुखलिस हैं और सोने का दिल है आपका। आपने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, बल्कि कोई आपके साथ बुरा करे भी तो आप उसके साथ बुरा नहीं करते। बिल्कुल रीम और शमा जैसी नहीं है। खैर अब रीम की बात तो आप रहने ही दें, लेकिन शमा कहाँ से बीच में आ गई? अच्छा मैं तो भूल ही गया था कि शमा तो मदर टेरेसा, जिसके बारे में कोई बंदा बात नहीं कर सकता। तब्रेज बस करे, आप वैसे उसे नाराज करके आए। अच्छा चलो आज कहीं बाहर लंच करते हैं। ठीक है, लेकिन पहले फूफो को बता दे। खुशाला तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें कहीं भी लेके जा सकता हूँ अपनी मर्जी से। अच्छा ठीक है, मॉम को मैं बता दूंगा। अब खुश यतीम का दिल दुखाना फूफो कितना गुनाह होता है ना, और उन लोगों ने मेरा बहुत दिल दुखाया। अरे तुम किन लोगों की बात कर रही हो, किसी मुलाजिम ने कुछ कहा है क्या? उजाला और आपके बेटे तब्रेज ने। अपने बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा हूँ। अरे पागल, उसमें तो अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है। मैं तो उसकी माँ के मुस्तकबिल के बारे में भी सोच रहा हूँ। अम्मा मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे की परवरिश शमा करे, बर्बाद कर देगी उसकी जिंदगी।